हेलो दोस्तों, मैं यशवंत, एक पंप ऑपरेटर का मैकेनिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, जो कि पंप हाउस के अंदर जिसके लिए आपको एक पंप हाउस की ज़रूरत रहती है उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है बात करेंगे इसमें मोटर और पंप को जो है किस तरह से जोड़ा जाता है, और इसमें जो है किस किस तरह से जो है इसको पाइप का जो डाया है किस तरह से दिया जाता है, और मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, और क्या इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाल बटन को दबा करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये जो है आपका पंप हाउस के अंदर है। इस तरह का ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पंप हाउस है, वायरिंग है, और जो हमारी ये जो है थ्री फेज़ के ऊपर चलने वाला एक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो कि एक बहुत बड़े एरियाज़ को पानी देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और लगभग 400 और 500 घरों को जो है ये पानी देता है जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप को जो है किस तरह से जोड़ा जाता है, इससे पहले हम वीडियो में बात करते थे ओपन वेल सबमर्सिबल पंप के बारे में, जिसमें कि आपको जो है मोटर और पंप जो है एक ही लाइन में जो है कनेक्ट रहते थे, दोनों को जो है इसी स्थिति में जोड़ा रहता है। और जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है इनको जो है किस तरह से मोटर के साथ जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके क्या क्या वर्किंग है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्य करता है, ये मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे दूं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्य करता है, क्योंकि ये सेंटर से जो है बाहर की ओर जो है पानी को धकेलने का कार्य करता है, इसलिए जो है इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके जो है मोनोब्लॉक, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज और मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, कई तरह के पंप होते हैं। यदि आपको इस तरह के सेंट्रीफ्यूगल पंपों के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि मल्टी स्टेज जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसको जो है मोटर के साथ किस तरह से जोड़ा जाता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास मोटर है, 40 HP की मोटर है, और ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पंप है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसको कि मोटर को जो है पंप के साथ आप किस तरह से जोड़ेंगे, तो ये मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से बता दूं कि ये इसका जो है इसको पुली बोला जाता है, दोनों इसको जो है कपलिंग बुश के जो होते हैं हमारे, इसमें कपलिंग बुश 144 नंबर का लगता है जो कि ये है, और फिर जो है जितने भी इसमें बेजीज है इसमें जो है हमारे पास 6 जो है नट बोल्ट लगते हैं। इनके पहले आप जो है मोटर के अंदर इसको पुली को डालेंगे, और उसके बाद दूसरी पुली आपकी पंप के शाफ्ट के अंदर डालेंगे, और ये जो है मोटर की शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे जो है इसके नट बोल्ट है 144 नंबर, क्योंकि ये अलग अलग जो है नंबर के आपको कपलिंग बुश मिलेंगे, ये आपको कहीं जहाँ पे पंप का सामान मिलेगा वहाँ पे आप इनको खरीद सकते हैं। तो इस इनके माध्यम से जो है इनको जोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ से इसमें कपलिंग बुश को डालेंगे और दूसरी साइड से इसमें जो है नट्स है, और इन नटों को जो है आप जो है कस करके फिर आप इसकी एक अलाइनमेंट बनाएंगे, क्योंकि जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये देखिए आप सबसे पहले इसमें नीचे आपकी बुर्जी लगी हुई होती है, और उसके ऊपर एक लोहे की जो है बेस प्लेट है, ताकि आपकी जो है नीचे ऊपर बिल्कुल ना रहे, और बेस के ऊपर जो है आपकी मोटर को जो है इस तरह से रखा जाता है। यदि आपका पंप की जो है हाइट है वो कम रहने के बावजूद इसमें इस तरह के आपको एंगल लगाने होते हैं ये बेल्ट करके, और बिल्कुल इसको जो है पैरेलल स्थिति में जो है समान एक समान जो है आपकी जो शाफ्ट है शाफ्ट टू शाफ्ट और कपलिंग, उसके बाद आप इसमें कपलिंग चढ़ा करके एक बराबर दिशा में आपको इसको रखना होता है, ताकि आपके कोई, क्योंकि ये कमर्शियल यूज़ के लिए जो है कमर्शियल यूज में जो है प्रयोग किए जाने वाले पंप है यहाँ पे, जो कि 400-500 घरों तक यहाँ से पानी पहुँचाते हैं। ये इस तरह से आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि मोटर को जो है पंप के साथ किस तरह से जो है कनेक्ट किया जाता है, यदि आपके पास मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और क्योंकि इसके लिए आपको जो है एक स्टार्टर हो गया, और थ्री फेस में आपको जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि ये कमर्शियल यूज़ है, गवर्नमेंट स्कीम है, और यहाँ पे इस तरह से आप जो है इसको जो है
कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे पंप के साथ। और यदि आपको मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल और इस पंप के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको कोई पाइप के बारे में या इसके व्हील के बारे में, मोटर पंप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो है इस पंप के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से दे, क्योंकि ये मैंने आपको तभी बताया क्योंकि जो बोरवेल या ओपन वेल पंप होते हैं उनके लिए जो है पंप हाउसों की ज़रूरत नहीं रहती। और यहाँ पे जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल जो कमर्शियल यूज़ के लिए, इसका प्रयोग आप सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। यदि आपका किसानी और बागवानी का क्षेत्र में आप जो है कार्य करते हैं तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपको जो है सिंचाई जो है, यदि आपके पास सिंचाई योग्य भूमि या बागवानी आप करते हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपको इस पंप के बारे में कोई और जानकारी चाहिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, क्योंकि आज तक जो ओपन वेल और बोरवेल के लिए आपको पंप हाउस की ज़रूरत नहीं रहती, और आज मैंने आपको ये जो है तभी मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना जो है समझा। और इसके बाद हम इसके जो है अदर पार्ट और अदर जो है किस तरह से आपका जो है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप चलता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारा भी एक मैसेज कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।